साथियों आज मैं उस पॉइंट पर बात कर रहा हूँ, एक जीवन का मकसद, एक लगन, एक नाम का छोटा सा शब्द होता है, हमारी जिंदगी में मिलता है, वक्त हिसाब से बदलता है। वक्त हिसाब बदलता जरूर है, यह वक्त बहुत बड़ी चीज होती है। सब किसी इंसान का वक्त बुरा होता है, आपके अपने साथ छूट जाते हैं, पराये दोस्त छूट जाते हैं, नफरत करने लगते हैं और मजाक बनाते हैं, हंसने लग जाते हैं, वो लोगों की औकात बढ़ जाती है, जो लोगों का बोलने का तरीका नहीं होता, जो खड़े नहीं हो सकते वो इंसान आपके अंदर हजारों कमियां निकाल देंगे। वक्त बहुत बड़ी चीज होती है, वक्त बहुत बड़ी चीज होती है, वक्त को जरा संभल के सोचना। वक्त वो चीज होती है जिस इंसान का वक्त बदला। एक बुरा वक्त इंसान की लाइफ के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। बुरा वक्त मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर कौन से किसी के सामने मिलता है। बुरा वक्त वो चीज होती है जिसके अंदर आपके अपने नफरत करते हैं, सबसे ज्यादा करते हैं, मजाक बनाते हैं, वो लोग मजाक बनाते हैं। बुरा वक्त के अंदर इंसान बिल्कुल डिमोटिवेट होता है और लाइफ के साथ में बिल्कुल हंसने की बसाए रूबी लगता है। ये बुरा वक्त जिंदगी की एक पहचान होती है कि यदि जिंदगी में बुरा वक्त मिला, वक्त इंसान का चेंज होता है। चेंज नाउ इज इन इस वर्ल्ड टाइम नाउ। बुरा वक्त वो चीज होती है, हकीकत ये है, जिस इंसान का वक्त मतलब उस इंसान से अपनी लाइफ में कुछ है। जब बुरा वक्त आता है तो हर इंसान एक इंसान को नफरत की भावना से देखता है। जो हमारे अपने होते हैं वो लोग हमारे अंदर कमजोरियां निकालते हैं, वो हमारे गुरु बन जाते हैं, वो हमारे बहुत बड़े शिक्षक बन जाते हैं, वो हमारे टीचर्स बन जाते हैं। ऐसे लोगों को बात करने का लेवल तक नहीं था। एक बुरा वक्त की बात बड़ी पहचान होती है और बुरा वक्त सब आता है। जो आपके अपने होते हैं वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं, आपके जो दुश्मन होते हैं वो उनको ठेस पहुंचते हैं, लेकिन आपके अपने जिनको आप अपना बेस्ट दोस्त मानते थे, जिनके ऊपर अपने आपसे ज्यादा ट्रस्ट था, सब पीछे मुड़के देखते थे, कोई आपके साथ नजर नहीं आता, कोई नहीं दिखाई देता। बुरा वक्त बहुत बड़ी चीज होती है, इसलिए वक्त की कदर करो, जीवन में कुछ बड़ा करना है। सब इंसान का वक्त बदलता है, तो हर इंसान के सामने दो चॉइस होती है। वो चॉइस के अंदर हर इंसान को पता होता है कि मेरी लाइफ की चॉइस पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है। पॉजिटिव चॉइस वो होती है कि शायद हमारी चॉइस के आधार में हम चलते हैं, नेगेटिव चॉइस वो होती है जो हम सोचते नहीं है गलती से हमारे साथ हो जाता है, और हम जो सोचते नहीं जो हमारे साथ वो होता है, तो हमें फील होता है अपने वक्त का, एहसास होता है हमारे अपने को, हमारे जो अपनों को हम पहुंचते हैं सपोर्ट के लिए बोलते हैं, हेल्प के लिए बोलते हैं, वो सपोर्ट की बजाय हमारी मजाक बनाते हैं और हमारे ऊपर मजाक उड़ाते हैं, हर गालियां अलग दिखते हैं, ये असलियत बनाते हैं इस दुनिया की। सच्चाई है वक्त बहुत बड़ी चीज होती है। इस दुनिया के अंदर सारी चीजों को पाया जा सकता है लेकिन वक्त को नहीं पाया जा सकता, इसलिए वक्त को अपनी जिंदगी के अंदर यदि बहुत गहरे से समझना। आज मैं चैलेंज करता हूं आप सभी के लिए, यानी यहां पर कोई भी एक इंसान ऐसा है जिसकी एक पोजिशन, बॉडी लैंग्वेज, फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल मानसिक रूप से बिल्कुल टूटा हुआ है, चाहे अपने जीवन का वारपति रहा हो, लेकिन आप लोग उसके सामने सही तरह से पेश नहीं आओगे। जैसा उसका तरीका है, जैसा उसका विजन है, उसी तरह से बोलोगे आप। वक्त ऐसा, वक्त बहुत बड़ी चीज होती है, इसलिए अपने वक्त को पहचानो। जिस टाइम आपका समय चेंज होता है, अच्छे वक्त में आपके अपने और प्राय हर इंसान आपके साथ होता है, लेकिन बुरा वक्त में कोई साथ नहीं होता। मैंने कुछ दोस्तों की कहानी सुनी, कुछ लोगों की मजाक की कहानी सुनी थी, हमारे घर वाले, हमारे फैमिली वाले, परिवार वाले, रिलेशन वाले, दोस्त होते सारे हंसते मजाक बनाते। वक्त है साहब, हजारों तरीके हमारे अंदर वीकनेस निकाल देती है, वो लोग निकाल देते जिनके बारे में सपनों में नहीं सोचते। क्या आप सीधी में सोचते सपोर्ट करते हो अपनी लाइफ के अंदर? क्या असलियत का पता है आपको? जीवन के अंदर असलियत क्या है, सच्चाई क्या है? सब किसी इंसान को बहुत बड़ी चीज देखनी होती है, तो उसके सामने बुरा वक्त लाया जाता है और बुरा वक्त से वो सीखता है आखिरकार मुझे जिंदगी में क्या चाहिए। इसलिए बुरे वक्त से घबराने की कोशिश मत करो, जो आज आपके ऊपर हंस रहे कल वो आपके साथ में होंगे। लोग है, जमाना है, ग्रेविड की तरह कलर बदलता है, रंग बदलता है। यदि आप सक्सेसफुल होंगे तो आपके सक्सेस के पीछे जो मेहनत हो उसको कोई नहीं देखता, सिर्फ आपको किस्मत वाला एक इंसान बोलेगा, बहुत अच्छी किस्मत है, लकी हो आप। जो आपने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, उसकी पहचान खत्म हो जाती है। कहते हैं नहीं, इसकी दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर वक्त होता है, सबसे बड़ा शिक्षक आपका दर्द और दुख होता है। तो दर्द के घाव होते हैं अपनी लाइफ में वक्त के हिसाब से भर जाते हैं,
और डॉक्टर वो चीज होता है, हर चीज का इलाज होता है कि आप शांति और निश्चिंतगी के अंदर। मैं इस प्रोग्राम के अंदर एक चीज शेयर करना चाह रहा हूं साथियों, वक्त की यदि आपने पहचान कर ली तो जिंदगी का अंदर सब कुछ पा लिया। और जिस दिन वक्त को आपने अवॉइड किया, इग्नोर किया, वक्त आपको इस तरह से ठोकर मारेगा कि आप समझ में आएगा। दुनिया की हर चीज ठोकर मारने से टूट जाती है, लेकिन एक ही चीज है जो ठोकर मारने से मिलती है, वो आपकी कामयाबी। दो अक्षर का लक होता है, ढाई अक्षर का भाग्य होता है, तीन अक्षर की किस्मत, तीन नहीं तीन अक्षर का नसीब होता है, साढ़े तीन अक्षर की किस्मत होती है। सब चीजों को चाहिए मेहनत। दो अक्षर का भाग, दो अक्षर का लक होता है, ढाई अक्षर का भाग्य होता है, तीन अक्षर का नसीब, साढ़े तीन अक्षर किस्मत, सबको चाहिए मेहनत। यदि मेहनत नहीं करते तो सारी चीजें खराब। अपनी लाइफ में बड़ा करना चाहते हो, बहुत बड़ी चीज चाहते हो, सेवन का मकसद चाहते हो अपनी लाइफ में, बहुत बड़ा गोल है आपकी लाइफ का, तो सिर्फ एक चीज अपनी माइंड के अंदर सोच लीजिए, वो है आपकी जिंदगी का वक्त। वक्त बहुत बड़ी चीज होती है। जिस दिन वक्त बिगड़ गया उसके दिन, उस दिन आपके अपने होंगे नफरत की भावना से देखेंगे, कोई किसी का नहीं होता, ये फैक्ट है। जिनको अपने आप से ज्यादा ट्रस्ट करते हैं वक्त के हिसाब से बदल देते हैं, रुख बदल देते हैं। हवाएं दक्षिण से उत्तर की तरफ चल रही है तो उल्टा हो जाता है साहब। हाँ हाँ सब करते हैं, लेकिन पीछे पीठ पीछे सारे लोग ट्राई करते हैं। आपके सामने कुछ दिखते अंदर क्या होता है, इस तरह के लोग होते हैं। बुरा वक्त में हेल्प के लिए बोलोगे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मदद के लिए बोलोगे कोई, सब पीछे हट जाएंगे, कहां से देगा, क्या करेगा, कमियां निकाल देंगे, आपके पास है क्या। ऐसे ऐसे लोगों की संख्या इस दुनिया के अंदर रहती है। ये लोग वो होते हैं जिनको अपने आप से ज्यादा ट्रस्ट आपको होता है, और ये आपके अपने होते हैं। फील जब होता है जब आपके अपने अपने धोखा देते हो। मैं आपको बताऊंगा एक छोटा सा, एक मैं कहानी के माध्यम से प्रोफाइल समझाना चाहूंगा। एक बार एक सुनार की दुकान थी, लोहार की दुकान आमने सामने थी मार्केट के अंदर। जब सुनार हथौड़े से पीटता था तो एक सोने का कण जब सामने लोहार की दुकान के सामने गिर जाता है और जोर जोर से चीख रहा होता है। उसी बार जब लोहार उसको लोहों को पीट रहा था तो एक लोहे का कण, दोनों आपस में बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं, कहते हैं यार आपके तो आप इतने भयंकर चिल्लाते क्या है, सोना का कण बोलता है, लोहों के कण से बोलता है सोना का कण, क्या आप इतने भयंकर चिल्लाते क्यों। तो भाई दर्द होता है बहुत भयंकर, दर्द तो मुझे भी होता है, क्योंकि आपके अंदर और मेरे अंदर सिर्फ ये है कि आपको आपका अपना नहीं पीटता, पराया होता है मुझे, हमारा अपना पीटता है। जब आपके अपने की जब पीटता है, जब आपके अपने की जो ठेस पहुंचती है, जब आपके अपने मजाक बनाते हैं, जब आपके अपने आप को बरसते हैं, उस टाइम दिल फट जाता है। दिल कहते हैं इस दुनिया के अंदर दिल किसी का मत तोड़ना, चाहे किसी घर ढा देना, घर तोड़ देना, लेकिन दिल जो विश्वास होता है, विश प्लस आस, विश जिसके अंदर एक बहुत बड़ा पॉइजन भी होता है, एक बहुत बड़ी आस भी होती है। इस चीज को अपनी जिंदगी में अपना लो। यदि जिंदगी की सारी चीजें क्लियर करनी है तो अपनी लाइफ के अंदर अपने वक्त को कवर करो। जब आपके अपने अपनी मजाक बनाते तो उस टाइम आप बहुत जल्दी टूट जाते हो। जब अनजान इंसान आपकी मजाक बना देते हैं इतना जल्दी नहीं टूटते हो, और ये फैक्ट है कि बुरा वक्त में आपके अपनी मजाक बनाते हैं। जब आपके अपने मजाक बनाते तो बड़ा फील होता है, अफसोस होता है, चारों दिशाओं के अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, कोई किसी तरह से सहारा दिखाई नहीं देता, सोचने में मजबूर होते हैं आखिर करे तो क्या करे, ये मिला है जीवन इसका मतलब क्या है, फिर जीवन जिंदगी काटने की बजाय जीने खत्म, और हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, चारों दिशाओं भटकते हैं, कोई सहारा दिखाई नहीं मिलता, शांति सुकून कहीं नहीं मिलता, हर ट्रैक पर देते हर डायरेक्शन पे जाते कहीं अच्छा नहीं लगता, सिर्फ अपने आप से नफरत होती है, भावनाएं होती है, अफसोस होता है, फीलिंग्स होती है, और सोच सोच कर हम अपने आप को वीक करते कमजोर करते हैं, इतना स्ट्रेस में डालते रहते हैं, वो स्ट्रेस का एक सॉल्यूशन रहता है, हम सोचते कोई अच्छा दोस्त मिले, अच्छा दोस्त मिले, और आज के टाइम में दोस्त किसी का नहीं होता, सबसे बड़ा दुश्मन आपका दोस्त होता है। ये फैक्ट है, करोड़ों लाखों में एक दोस्त सही होता है, यदि वो भी वक्त के हिसाब से चेंज हो गया, वक्त के हिसाब से आपके साथ सपोर्ट करता है। शांति देने वाले बहुत कम लोग होते हैं, मजाक बनाने वाले बहुत होते हैं। आज के टाइम में नेगेटिव लोगों की संख्या हर जगह हर स्थान पर पाई जाती है। ये प्रजाति सबसे ज्यादा आपके आसपास के माहौल के अंदर मिली जुली रहती है, और हमें पहचान मिले या इनको मौका मिलते ही अपनी चाल खरीद देते, अपने आप को अटैक कर देते, हमला कर देते, पीछे पीछे से आप रास्ते से निकले आपके इष्टे स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है, डिप्रेशन होता है। इसलिए बुरा वक्त का सामना करो, अपने आप को चेंज करो, अपने टाइम को बदलो, अपने अपने आप को देखो, हमारी लाइफ के अंदर कितने दुख है, कितने सुख है, इन चीजों के सामने हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते,
साथियों बस आज के लिए इतना ही कहना चाहूंगा, अपने आप को बदलो, अपनी जिंदगी को बदलो, अपने जमाना बदलेगा। थैंक यू।